सलमान खान लगातार कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। सलमान समय समय पर वीडियो शेयर कर लोगों को संदेश भी देते रहते हैं। अब सलमान खान ने एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने अपने घर का किस्सा सुनाते हुए सभी फैंस और बाकी लोगों को फटकार लगाते हुए कुछ बहुत अहम बातें बोली हैं। सलमान ने वीडियो में बताया कि कैसे वे दो दिन के लिए अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर गए थे और अब वहीं फंसे हुए हैं। सलमान ने बताया कि उनका पूरा परिवार वहीं है और सभी के मन में कोरोना को लेकर डर बना हुआ है। आप भी देखिए सलमान खान का ये वीडियो मैसेज। जिंदगी की ओर भाग रहे हो, मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो मैं उनकी बात समझता हूँ, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है, अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सिस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अति उठाओगे? इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्ला है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं।